हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज हम बात करेंगे टेदर टूल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपने एक ऑलरेडी हमारा एपिसोड देखा होगा टेदर टूल्स का डेमो, जहां हमने बताया था कि टेदर केबल से हम कैसे अपने DSLR को लैपटॉप के साथ या मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ। तो आज हम आपको ऑन लोकेशन दिखाएंगे कि उसे हम टेदर शूटिंग कैसे करते हैं ऑन लोकेशन। तो आज हमारी लोकेशन है हमारा M9 स्टूडियो, जहां हम एक मॉडल के साथ शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे टेदर केबल के थ्रू लाइव शूट कर सकते हैं और अपने इमेजेस के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द शूट ओनली। सो काफ़ी इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा हमारा टेदर केबल। ये 15 फीट का टेदर केबल है ऑरेंज कलर का, जो मैं आज इसे कनेक्ट करूंगा अपने मैकबुक प्रो के साथ। और आप देख पाएंगे कि जब जैसे ही मैं इमेजेस शूट कर रहा हूं, इमेजेस डायरेक्टली मेरे लैपटॉप पर आएंगी। और अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है अपनी इमेजेस में, तो मैं अपने लैपटॉप के अंदर वो डिजायर्ड जो भी चेंजेस है वो मैं कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये दो हमारे पास ये प्लास्टिक के पीसेस देख रहे हैं। कैन यू सी दीज टू स्मॉल पीसेस? ये जग स्टॉपर है। इसका काम ये होता है फ्रेंड कि जब हम केबल को कनेक्ट करते हैं अपने कैमरा को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ थ्रू दिस केबल, तो ये जग स्टॉपर हमें बीच में लगाना होता है, ताकि अगर किसी का भी पैर उसके बीच में आ जाए तो आपका कैमरा और आपका लैपटॉप जो है वो काफ़ी सेफ रहता है। वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा पूरा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा टेदर केबल है और मैंने इसे अभी यहाँ अपने कैमरा में लगा दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दो पीसेज हैं जग स्टॉपर। ये ऑलरेडी एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपने कैमरा में एक छोटा इसका एक एंड यहाँ लगाया हुआ है प्लास्टिक का, और इससे मैं इसे यहाँ पे अभी कनेक्ट करता हूँ। एंड यह थोड़ा सा मैं इसका इतना पोर्शन लूँगा इस केबल का, और जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने एक जग स्टॉपर यहाँ पर लगा दिया है मेरे कैमरा में। सो नाउ माई कैमरा इज़ सेफ। अगर कोई भी झटका, कोई किसी का हाथ या पैर आता है इस वायर में, तो जो जर्क है वो यहाँ आएगा, यहाँ मेरे जो मेरा इंटरनल सर्किट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो माई कैमरा इज़ वेरी सेफ वाइल शूटिंग टेदर्ड। दूसरा एंड जो है वो मैं इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने USB केबल लगा दिया है। ये आप देख रहे हैं दूसरा इसका पीस, ये मैंने दूसरे USB के अंदर इसे ये इस तरह मैंने इसे लगा दिया है। और ये वायर मैंने थोड़ा सा जो है अब देखेंगे ये जो वायर है मैंने थोड़ा पीछे लिया है, और ये देखिए मैंने ये वायर थोड़ा यहाँ लगाया है, एंड ये मैंने इसे ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये आप देख सकते हैं पूरा, सो इफ़ आई एम शूटिंग लाइक दिस, और अगर किसी का भी पैर समझिए यहाँ बीच में इधर कहीं पैर आता है किसी का भी, या गलती से जब शूट करते हैं स्टूडियो में अंधेरा होता है, तो जो जर्क है वो यहाँ पे आएगा, ना कि मेरे इस कनेक्शन पे। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरा लैपटॉप और मेरा कैमरा दोनों सेफ है वाइल डूइंग टेदर शूटिंग। तो चलिए देखते हैं हम आज का शूट, और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे हम टेदर शूट कर रहे हैं, आई एम गेटिंग ऑल माय इमेजेस ऑन माय लैपटॉप, पूरा जो मैं अपनी इमेजेस को लाइव देख सकता हूं यहां पे बड़े स्क्रीन के ऊपर। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ शूटिंग ऑन टेदर्ड। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अपने कैमरा में कोई सेटिंग्स करनी है, शॉट काफ़ी अच्छा शॉट आया, वैसे एक्सपोजर हमने सब अच्छे से लिया, ये मीटर किया अच्छे से, तो आई एम गेटिंग वेरी गुड शॉट। बट अगर मुझे अपना कैमरा के अंदर अगर मुझे अपनी शटर स्पीड या फिर मुझे अपना अपर्चर चेंज करना है या मुझे अपना ISO चेंज करना है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वो चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आई एम शूटिंग राइट नाउ ऑन 160 एंड माय ISO इज 100 एंड अपर्चर इज F9। सो सपोज इफ आई वांट टू, अगर आई एम नॉट हैप्पी विद द एक्सपोजर और मुझे अगर F9 की जगह F8 करना है, तो मुझे या मेरे असिस्टेंट को सिर्फ यहाँ पर जाके चेंजेस करने हैं। F8 यहाँ से हमें चेंज कर लिया, यहाँ से मैं ISO भी 100 की जगह अगर मुझे सपोज 200 करना है, तो मैं यहाँ पे अपना ISO भी 200 कर सकता हूँ, और शटर स्पीड अगर मुझे चेंज करनी है तो आई कैन गो अप टू
जो भी मुझे शटर स्पीड चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 मैंने यहाँ शटर स्पीड कर लिया है। सो ये एक एडवांटेज होता है टेदर शूट करने का, आप यहाँ से एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल ऑन योर लैपटॉप, फ्रॉम योर लैपटॉप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे, अगर सपोज आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर टेम्परेचर करीब 5100 के आसपास है, बट अगर मुझे इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कलर टेम्परेचर आई कैन मूव स्लाइड लाइक दिस एंड नाउ यू कैन सी दिस इज़ मच मच बेटर। सो इसका जो एडवांटेज है फ्रेंड्स टेदर शूट का, वो ये है कि वाइल शूटिंग यू कैन मेक ऑल दोज चेंजेस एंड यू कैन सेव आवर्स ऑफ टाइम, बिकॉज आप शूटिंग के बाद में जब 8 आवर्स 10 आवर्स आप यही काम करते रहते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान होता है आपके वक्त का। तो आप ये देखिए कि जब भी हम टेदर शूट कर रहे हैं तो हम ये सारे चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर, सो मैं यहाँ से देखिए एक्सपोजर स्लाइड पर गया, मैंने यहाँ से एक्सपोजर भी चेंज कर लिया पूरा, यू कैन सी। सो नाउ माई पिक्चर इज लुकिंग मच मच बेटर एंड नाउ हेयर आई एम जस्ट करेक्टिंग माई कॉन्ट्रास्ट, सो यू कैन सी दिस इज ब्यूटिफुल एंड हेयर आई कैन कंट्रोल माई ब्राइटनेस एंड नाउ सेचुरेशन इज स्लाइटली मैं थोड़ा अप गया हूँ, सो आई एम गेटिंग मच मच बेटर इमेज एंड आई हैव डन ऑल दिस ड्यूरिंग द शूट ओनली फ्रेंड्स। सो आई एम नॉट स्पेंडिंग आवर्स आफ्टर द शूट एंड करेक्टिंग माई इमेजेस। सो दैट्स द होल एडवांटेज ऑफ शूटिंग टेदर्ड। आपको सिर्फ करना ही है कि आपको अपना कैमरा यहाँ पर एक वायर यहाँ पर एक एंड आपको यहाँ कनेक्ट करना है, दूसरे एंड आपको अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करना है एंड यू हैव टू यूज़ एनी गुड सॉफ्टवेयर, वेदर यू कैन यूज़ लाइट रूम और कैप्चर वन और जो आपके कैनन एंड आइकॉन के साथ जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें ज़्यादातर फीचर होता है कि आप टेदर्ड शूट कर सकें। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसमें काफ़ी मदद मिली होगी। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जब आप टेदर्ड शूट करते हैं, बट इस एपिसोड में हम वो कवर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम अलग से कई और एपिसोड्स बनाएंगे आपको बताने के लिए। लाइक मुझे लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने पूछा सर आप कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके भी आप वीडियोज़ बनाइए, तो आने वाले टाइम में हम वो भी वीडियोज़ बनाएंगे तब हम आपको डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बट आज के लिए फ्रेंड्स हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि टेदर्ड शूटिंग का क्या एडवांटेज होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शूट करें तो आप कोशिश करें कि आप टेदर्ड करें ताकि आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकें और आप अपनी इमेजेस को एक छोटे स्क्रीन की बजाय आप एक बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको अपनी फोटोग्राफी भी समझ में आएगी, आपको पता चलेगा आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं ड्यूरिंग द शूट या आपकी फोटोग्राफी में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडे, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज हो तो आपको पता चले कि हमारा आज नया वीडियो रिलीज हो चुका है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून विद न्यू वीडियो, हैव अ गुड डे।